अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VUBSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप किस तरीके से अपने मिस एग्ज़ाम जो है वो रिशेड्यूल करवा सकते हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम आपने नहीं दिए या जिसमें आप एबसेंट हो गए, किसी भी वजह से आप नहीं दे पाए पेपर, तो वो किस तरीके से आप लोग रिशेड्यूल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना LMS ओपन करेंगे। LMS ओपन करने के बाद यहाँ पर जाएंगे नोटिफिकेशन में। जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ लिखा हुआ आरडी नोटिफिकेशन, 14 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आई थी, यहाँ लिखा हुआ। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, वो आप पढ़ लें। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी लास्ट डेट जो है वो जनवरी 28 है 2022, और दोनों लोकल एंड ओवरसी दोनों इसको कर सकते हैं। और रीशेड्यूल जो एग्ज़ाम होगा उसकी डेट जो है वो जनवरी 30, 2022 होगी, ठीक है। मिनिमम जो है आप वो 7 पेपर रीशेड्यूल करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी हुई कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे अपने LMS में। LMS में जाने के बाद जाएंगे स्टूडेंट सर्विस में। स्टूडेंट सर्विस में क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे अप्लाई फॉर रिशेड्यूलिंग ऑफ पेपर्स। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे 2 पेपर मिस हो गए थे, तो यहाँ पे इन्होंने मुझे 2 पेपर शो किए हुए हैं। जो भी पेपर आपके मिस होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। यहाँ लिखा हुआ है लास्ट डेट टू अप्लाई 20 जनवरी 2022, और किस दिन एग्जाम होगा हमारा 30 जनवरी 2022 को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना हम लोग सिटी सेलेक्ट करेंगे, अपना जो भी आपको सिटी है वो आप कर दें। मैं ऐसे कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ एक्शन पर टिक कर दें। टिक करने के बाद आप लिखा सबमिट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आप देखें रिक्वेस्ट हैज़ बीन जनरेटेड, ठीक है। विदड्रॉ रिक्वेस्ट आ रहा है। अगर आप चाहते हैं ये रिक्वेस्ट आपने गलती से किया तो आप वो विदड्रॉ करके हटा सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा विदड्रॉ पे। आई यू शुड वांट टू विदड्रॉ द रिक्वेस्ट, ओके। तो आप देखें यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। आप तो दोबारा करें एक्शन पर जाएँ, सबमिट रिक्वेस्ट कर दें, तो आपको रिक्वेस्ट चली गई है। आपने लिखा हुआ है स्टेटस पेंडिंग, तो इन्होंने कहा था सबमिट करने के बाद अपनी ईमेल खोलें, ईमेल पर जाके आप चेक करें, आपको ईमेल आई हुई होगी इनबॉक्स में, स्पैम पे जगह ईमेल में आई हुई होगी। तो हम लोग जो है अपना LMS ओपन करेंगे। LMS ओपन करने के बाद हम लोग स्टूडेंट सर्विस में आएंगे, और स्टूडेंट सर्विस में आने के बाद हम लोग रिशेड्यूल ऑफ पेपर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ आगे प्रोसीड, यानी कि आपका पेपर रिशेड्यूल हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी फीस भी यहाँ लिखी हुई है, इसकी डेट भी लिखी हुई है, और आपको एक SMS भी आएगा। देखें ये देखें इसलिए उसका स्क्रीनशॉट है, ये आपको SMS भी आया है शेड्यूल थे वो हो गए हैं, एक 30 जनवरी 2022 8:30 बजे, और दूसरा जो है 30 जनवरी 2022 10:30 बजे। और आपको इसके अलावा ईमेल भी आई होगी, आप जाके देख सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप ये देख सकते हैं मेरा सेंटर, मेरी टाइमिंग, मेरा एग्ज़ाम, ठीक है। मैं पीछे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डेट शीट भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डेट शीट ओपन हो जाएगी। मैं इसको लॉगिन करूँगा, लॉगिन करने के बाद अपनी ID पासवर्ड डालूँगा। जैसे ID पासवर्ड डालूँगा तो मेरी डेट शीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो ओल्ड डेट शीट थी यानी मिड टर्म में जो आपने इस्तेमाल की थी पूरी वही है, लेकिन उनका पासवर्ड भी सेम है, जस्ट चेंज किया है। आपके लास्ट में जो 2 मेरे ऊपर के पेपर मिस हो गए थे वो मेरे 2 एंड में आ गए, ठीक है। आप सीरियल नंबर को चेक कर सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है संडे, 1:30 बजे है और 1:30 बजे पेपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पेपर रिशेड्यूल करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के बाद लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।